दोस्तों कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल ने अपनी 12 तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की थी, पर राहुल के मम्मी चाहते थे कि राहुल इंजीनियर बने, लेकिन गांव में कहां इतने अच्छे कॉलेज होते हैं, जिस वजह से उनको राहुल को शहर भेजना पड़ता है। अब शहर राहुल को भेजा पर वह रुकता कहां, इसलिए राहुल की आंटी के वहां उन्होंने उसके रहने का इंतजाम करवा दिया। राहुल की आंटी का नाम मनीषा था, वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उनके अभी शादी नहीं हुई थी और वह शहर में अपने खुद के फ्लैट में रहती थी। राहुल के माँ बाप चाहते थे कि राहुल पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करें, लेकिन राहुल के लक्षण कुछ ठीक नहीं थे। राहुल गांव में ही पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, वह तो अपने मम्मी पापा को चकमा देकर शहर आया था सिर्फ और सिर्फ घूमने। राहुल जब 12वीं कक्षा में था तब गांव की स्कूल में उसकी 6 गर्लफ्रेंड थी और उन सभी के बारे में राहुल की छोटी बहन को राहुल के बारे में सब पता था। राहुल शहर तो पढ़ने आया था, लेकिन शहर की चकाचौंध भरी दुनिया में वह और खोसा गया। राहुल को आए सिर्फ पहला ही दिन था कि उसकी माँ का फोन आ गया। उन्होंने राहुल की आंटी से कहा, मेरा बेटा शहर पढ़ने आया है, इसका खूब ख्याल रखना, देखना कहीं बहक ना जाए। अभी लड़कपन की उम्र है और इस उम्र में लड़के बहक जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा वह सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने जिस बहन पर आंख बंद करके भरोसा किया वह भी उसके साथ ऐसा काम करेगी। दोस्तों दरअसल बात यह है कि राहुल की माँ की शादी 22 साल पहले गाँव के जमींदार के बेटे से हो गई थी। राहुल की माँ की जो छोटी बहन थी, यानी कि राहुल की जो आंटी थी, और राहुल की माँ से लगभग 11 साल छोटी थी, इसलिए उन्होंने अभी शादी तक नहीं की थी और वह शादी के नाम से दूर भागती थी, केवल इंजॉय करना चाहती थी, वह इस झमेला में नहीं रहना चाहती थी। राहुल की माँ ने उन्हें पहले बहुत समझाया था पर वह नहीं मानी और आज वह शहर में ही अपना ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करती है। अब राहुल का एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। राहुल अपने आंटी मनीषा के फ्लैट में रहना भी शुरू कर देता है। फ्लैट में 3 कमरे थे, पहले वाले में उसकी आंटी रहती थी और दूसरे वाले में राहुल, और तीसरा कमरा हमेशा खाली पड़ा रहता था, शायद उन्होंने उस कमरे को गेस्ट के लिए रखा हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह के 10 बज रहे थे, राहुल के कॉलेज के लिए निकल रहा था कि तभी उसकी मनीषा जी से टक्कर हो गई। मनीषा जी की भी अभी उम्र अभी कुछ ज्यादा नहीं थी। मनीषा जी ज्यादातर साड़ी ही पहना करती थी और आज वह ब्यूटी पार्लर में जा रही थी। तभी उनकी अचानक से टक्कर हुई, या फिर कहें जानबूझकर, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। और वो राहुल से टकराते ही बोली, अरे बेटा आराम से। और उनके हाथ में थोड़े सामान थे जो जमीन पर गिर गए, और उन्हें जब वो झुककर उठाने लगी तो राहुल की नज़र उनकी इज्जत पर पड़ी। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, लड़के को अगर जरा सी छूट मिल जाए तो वह क्या कांड कर जाता है, और वह भी ऐसा लड़का जो पहले से ही बदतमीज हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि राहुल अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता था, तो रिश्तों की इज्जत कहाँ से करता है। और मनीषा जी की भी गलती थी, उन्हें इतनी टाइट साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। उनको यह सोचना चाहिए था कि घर में मेरी बहन का बेटा आया हुआ है, अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों वह कहावत है, ना घर के बड़े जैसी होते हैं, उन्हें खुशी कर बच्चे भी निकलते हैं, और यहाँ पर ठीक वैसा ही था। अभी आगे तो आप मनीषा की ऐसी करतूत सुनेंगे जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और उस दिन के बाद से राहुल का नजरिया मनीषा जी को देखने के लिए बदल गया। एक दिन रात में दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी राहुल बोलता है, आज तो आपने दाल बहुत ही अच्छी बनाई है। तब मनीषा बोलती है, अरे राहुल खाना मैंने नहीं, जितेंद्र ने बनाया है, मैंने तो बस दाल को तड़का लगाकर गर्म किया। राहुल बोलता है, आंटी यह जितेंद्र कौन है। तब उसकी आंटी बताती हैं, जितेंद्र शहर में ही रहता है और वह हमारे घर में खाना बनाता है, वह बहुत अच्छे अच्छे डिश बना लेता है और वह हमारे वहाँ शेफ का काम करता है, और जब तुम कॉलेज चले जाते हो तब वह दोपहर को आता है, खाना बनाकर चला जाता है।
तब राहुल ने बोला, आंटी जब घर से हम दोनों लोग चले जाते हैं तो घर में तो ताला लगा हुआ होता है, तब वह घर पर कैसे आता है? मनीषा बताती है, उन्होंने घर की दूसरी चाबी जितेंद्र को भी दी है और वह जब चाहे घर में आ सकता है। और अपनी आंटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर राहुल हैरान हो जाता है और सोचता है कि आंटी किसी गैर पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है। पर यह बात उसके दिमाग में चलने लगती है। पर उस दिन वह बेचारा चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है, क्योंकि सुबह उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले थे, इसलिए राहुल जल्दी सोने चला गया। और मनीषा ने राहुल से कहा कि मुझे दो दिन के लिए दूसरे शहर पार्लर का सामान लेने जाना है, जिस वजह से वो अब घर पर दो दिनों तक नहीं रहेगी। राहुल को थोड़ा शक हुआ, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह 9 बजे राहुल का एग्जाम था, इसलिए आज वो 5 बजे का अलार्म लगाकर सोया था। रात के 2 बज रहे थे कि अचानक राहुल को प्यास लगी और वो किचन में पानी पीने जा ही रहा था कि गुजरते वक्त उसके आंटी का कमरा पड़ा। राहुल ने गौर किया कि उनके कमरे से आवाज आ रही थी। यह आवाज सुनते ही राहुल ने अपना आपा खो दिया। यह वह आवाज थी जो पति पत्नी के कमरे से आती है, लेकिन आज आंटी जी तो घर पर अकेली थी, और आज उनके घर पर कौन आ गया जो उनके कमरे से ऐसी आवाजें निकलने लगी। अब इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगा और वह कमरे के दरवाजे पर अपना कान लगाकर और बातें सुनने को कोशिश करने लगा। घर में राहुल को कुछ नहीं दिखा। मनीषा के कमरे के बगल से ही छत की सीढ़ी गई हुई थी और सीढ़ी के बगल में ही जंगला था। तब राहुल को याद आता है कि आंटी के कमरे का झांकने का एक ही रास्ता है और वह उस रास्ते की तरफ बढ़ चलता है। जब वह जंगले में से झांक कर देखता है तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राहुल देखता है मनीषा जितेंद्र के साथ रातों को रंगीन कर रही थी। जी हाँ, वही जितेंद्र जिसे मनीषा ने अपने घर की चाबी दी हुई थी। जी हाँ, वही जितेंद्र जो उनके घर का शेफ था, जो उनके घर के छोटे बड़े काम किया करता था, और उसी जितेंद्र से मनीषा के चक्कर थे। राहुल ने देखा मनीषा जितेंद्र के साथ है और जो पति पत्नी करते हैं वैसे ही मनीषा जितेंद्र के साथ कर रही है। राहुल ने अपनी आंटी का ऐसा रूप पहली बार देखा था। राहुल भी ठहरा लड़का। गांव में उसकी 6 गर्लफ्रेंड रह चुकी थी और उस रात की बात से राहुल को अपनी आंटी के देखने का नजरिया बदल गया और आज राहुल ने अपने मनीषा को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इतना सब कुछ होने के बाद सुबह के 5 बज गए और राहुल ने जो अपने कमरे में अलार्म लगाया था वह बजने लगा। और जब अलार्म बजा तब राहुल अपने कमरे में दौड़ कर गया और सोने का नाटक करने लगा। और जब अलार्म की आवाज मनीषा के कमरे पर पहुंचे तो जितेंद्र समझ गया कि राहुल उठने वाला है और वह उसके उठने से पहले कपड़े पहनकर चला गया। पर राहुल ने आज सारा खेल अपने आंख से देख लिया था और अब उसकी आंटी के प्रति उसके नजरिया बदल गया था। और दोस्तों कहते हैं ना कि किसी बच्चे के सामने अगर कोई घर का बड़ा ही गलत करेगा तो बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं, और कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी हो रहा था। राहुल अभी सिर्फ इतनी कम उम्र में उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और अब वो मनीषा के तरफ आकर्षित होने लगा। सुबह 7 बजे नाश्ता करके घर से निकल गया और आज राहुल का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। रात में उसने पढ़ाई नहीं की थी, जिस वजह से उसके पेपर की कोई तैयारी नहीं थी। खैर, जैसे तैसे राहुल ने अपनी परीक्षा दी और घर जाने की सोच ही रहा था कि पेपर में ही वह रात वाली बात बार बार दिमाग में घूम रही थी और वह कुछ भी करके घर जाना चाहता था। उसका पेपर में मन नहीं लग रहा था। माँ बाप ने गांव से भेजा था शहर पढ़ने के लिए, पर बेटा तो माँ बाप को ही चुना लगा रहा था। पेपर खत्म होने के बाद राहुल फटाक से अपने घर जाता है और घर जाकर अपने कमरे में लेट जाता है। पर पता नहीं क्यों राहुल ने जब से रात में उस कांड को देखा था उसका दिमाग पढ़ाई से हट चुका था। आज घर पर राहुल अकेले ही था क्योंकि मनीषा पार्लर का सामान लेने के लिए 2 दिनों के लिए शहर गई थी। पर इस बात पर भी राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मनीषा शहर से बाहर गई है या फिर उससे झूठ बोलकर कुछ और ही गुल खिलाने गई है।
राहुल के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट हो गया था और आज से उसकी छुट्टियां शुरू हो गई थी। राहुल की कॉलेज में एक नई दोस्त भी बनी थी जिसका नाम नंदिनी था। राहुल ने मौका देखा तो आज नंदिनी को घर पर बुला लिया और नंदिनी से बोला, नंदिनी तुम घर आ जाओ, आज रात का खाना साथ खाएंगे। पर अब राहुल को क्या पता था कि आज के दिन ही मनीषा घर वापस आ जाएगी। नंदिनी घर आती है और दोनों अपने कमरे में खाना खाकर बैठे होते हैं कि तभी मनीषा दरवाजे पर आकर डोर बेल बजाती है। राहुल घबरा जाता है, सोचता है आंटी तो दूसरे शहर काम से गई है, इस वक्त कौन हो सकता है, और वह नंदिनी को किचन में छिपा देता है और खुद दरवाजा खोलने के लिए जाता है। राहुल जैसे ही दरवाजा खोलता है दरवाजे पर मनीषा खड़ी होती है। राहुल मनीषा को देखकर हैरान हो जाता है, कहता आंटी आप आपके शहर पार्लर का सामान लेने गई थी और आपको दो दिन लगने वाले थे और आज आप रात ही में वापस आ गए। तब उन्होंने बताया कि आज वह शहर गई ही नहीं और पार्लर के सामान के लिए उन्होंने फोन से ऑर्डर दे दिया है जो कि कुछ दिनों के अंदर उनके पार्लर तक खुद ही आ जाएगा। राहुल थोड़ा हैरान हुआ और डर भी गया क्योंकि अंदर नंदिनी छिपी हुई थी। मनीषा अंदर आती है और कहती है मुझे प्यास लगी है और वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ती है और किचन में मनीषा देखती है कि नंदिनी अंदर बैठी हुई है। मनीषा राहुल का सारा खेल समझ जाती है और गुस्से की आवाज में राहुल को किचन में बुलाती है। राहुल अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान बस आज कुछ भी हो जाए, नंदिनी को आंटी जी ना देखें, नहीं तो आंटी डायरेक्ट उसकी माँ को कॉल लगाकर उसके सारे कारनामे बता देंगे और उसे शहर से गांव फिर से बुला लिया जाएगा। राहुल शहर को छोड़कर गांव वापस नहीं जाना चाहता था और जैसे ही मनीषा राहुल को बुलाती है राहुल घबराते हुए किचन की तरफ बढ़ता है। वहां पर देखता है मनीषा नंदिनी के बगल में खड़ी हुई है और नंदिनी सर झुकाए हुए रो रही है। मनीषा पूछती है राहुल यह लड़की कौन है, तब राहुल सर पकड़ते हुए बोलता है अरे आंटी यह मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और हम दोनों साथ ही पढ़ते हैं, आज घर पर कोई नहीं था तो मैंने सोचा एक्स्ट्रा स्टडी कर लूं। इतना कुछ होने के बाद राहुल सर झुकाकर मनीषा के सामने खड़ा होता है और सोचता है आप शायद मेरा पत्ता काटने वाली है, लेकिन होता इसका उल्टा है। मनीषा हंसने लगती है और बोलती है बुद्ध मैं सब जानती हूँ, तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और आज घर पर अकेले थे तो तुम दोनों इंजॉय करने के मूड में थे। इतना बात सुनते ही राहुल हैरान हो जाता है और अपनी आंटी से कहता है नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं। तब मनीषा राहुल के सर पर अपने हाथ को रखते हुए बोलती है घबराओ नहीं इंजॉय करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। यह कहकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर उस दिन राहुल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसे अपनी आंटी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और तुरंत उसने नंदिनी को घर भेज दिया। सुबह हुई दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। राहुल अपनी आंटी से नजर नहीं मिला पा रहा था। मनीषा राहुल से कहती है राहुल तुम इतने उदास क्यों देख रहे हो, कल वाली बात के लिए तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी माँ से कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राहुल बोलता है कैसा काम, मनीषा बोलती है जैसा मैं कहूँ वैसे ही तुमको करना होगा, जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। और इतना कहते ही राहुल को तो पूरी डोर मिल गई और राहुल तो हमेशा से यही चाहता था, उस रात से बेताब था, उसे पाने के लिए कुछ कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज मनीषा ने मुंह खोलकर उससे कहा तो वह समझ गया कि मनीषा क्या चाहती है। पर राहुल ने अभी मनीषा से कुछ कहा नहीं और उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप क्या करोगी, तो मनीषा बोलती है मैं तुम्हारी माँ को सारी बातें बता दूंगी। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि मनीषा अब राहुल को ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन राहुल भी कहाँ सीधा था। राहुल ने भी अब रोज मनीषा के साथ अपने रिश्ते को तार तार कर दिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उधर गांव में राहुल की आस लगाए बैठी थी, राहुल अब पढ़ लिख कर नौकरी करेगा। अब 2 महीने हो चुके थे, वह दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिए।
लेकिन अब राहुल ने एक बार भी अपनी माँ से फोन लगाकर हालचाल नहीं लिया। राहुल की माँ को चिंता होने लगी तो उसने अपनी बहन मनीषा को फोन किया। मनीषा ने फोन पर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं राहुल का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और बहुत जल्द ही राहुल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद यही शहर में सेटल हो जाएगा। राहुल की माँ बोली, बहन तुमने जो मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं तुम्हारा कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकती। पर उनको क्या पता उनकी सगी बहन है उनको चूना लगा रही थी। और यह सब बातें होने के बाद राहुल की माँ ने फोन रख दिया और कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। राहुल के कम पढ़ने लिखने की वजह से उसको कॉलेज से निकाल दिया गया है। राहुल के लक्षण भी ठीक नहीं थे। राहुल ने मनीषा के चक्कर में अपनी फ्रेंड नंदनी का भी दिल तोड़ दिया था। नंदनी राहुल से सच्चा प्यार करती थी और जिस दिन मनीषा ने नंदनी को घर पर देखा था, उस दिन के बाद से राहुल ने नंदनी से बात करना कम कर दिया था और यह बातें नंदनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राहुल अपने गांव में भी 6 लड़कियों को धोखा दे चुका था और ऐसा नंदनी की शादी कर रहा था, पर हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। नंदिनी राहुल से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है और जैसे ही वह घर में इंटर होती है, वह दिखती है कि राहुल अपने कमरे में नहीं है। वह हर जगह दिखती है पर राहुल कहीं नहीं होता। तभी नंदिनी सोचती है कि चलो एक बार आंटी के कमरे में भी देख लेती हूँ। नंदिनी मनीषा के कमरे के पास जाती है तो कमरे में से आवाज आ रही थी और यह आवाज वही आवाज थी जो एक पति पत्नी के कमरे से आती है। नंदनी थोड़ा और ताका झांकी करती है तो उसे सीढ़ियों के बगल वाला जंगला दिखता है। वह उस जंगले में से जैसे ही जाकर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आज राहुल ने उसे धोखा दिया था, उसे ही नहीं बल्कि 6 लड़कियों को उसने पहले ही धोखा दिया था, पर आज उसने अपने रिश्ते को तार तार कर दिया था। नंदनी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, एक भांजा अपनी आंटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और नंदिनी ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला और उस दिन की सारी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और अपने घर चली गई। राहुल तो दिन रात घर में अय्याशी करता था और जब गांव से फोन आता तो वह उन्हें बेवकूफ बनाकर फोन रख दिया करता था। लेकिन इतने दिनों से वह गांव वापस नहीं गया था तो उनकी माँ जिद करने लगती है, बेटा तू वापस आ जा। तो राहुल अपनी माँ को बेवकूफ बनाने लगता है और बोलता है, माँ मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और मैं जॉब को छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। तब राहुल की माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं, मैं ही तुझसे शहर मिलने आ जाती हूँ। और उसके मम्मी पापा शहर उसे दूसरे ही दिन उससे मिलने के लिए आते हैं। राहुल को यह खबर मिलती है, उसके मम्मी पापा शहर उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। वह तुरंत स्टेशन अपने मम्मी पापा को रिसीव करने के लिए चला जाता है और जब वह अपने घर लेकर आता है तो घर पर पहले से ही नंदिनी मौजूद होती है। नंदिनी उनके मम्मी पापा के सामने उसकी सारी पोल खोलना शुरू कर देती है। नंदिनी राहुल की माँ से कहती है कि राहुल की कोई नौकरी नहीं लगी है, राहुल ने तो अपनी पढ़ाई भी नहीं कम्प्लीट की, उसने आधी पढ़ाई कम्प्लीट करके ही छोड़ दी और जो उसके मम्मी पापा गांव से पैसे भेजते थे वह उन्हें अय्याशी में उड़ा दिया करता था। यह सब नंदिनी के मुंह से सुनकर राहुल की माँ उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तब नंदिनी चिल्लाकर बोलती है, अगर तुझे अपने बेटे पर इतना ही विश्वास है तो इस वीडियो को देख। और वह उस रात की सारी वीडियो उसकी माँ को दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड की थी। यह देखते ही राहुल की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वह तुरंत वहीं गिर जाती है। राहुल के पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और वह पागल हो जाते हैं। नंदिनी ने पहले ही पुलिस को सारी बातें बता रखी थी और इतने में ही पुलिस वहां पर आ जाती है और मनीषा और राहुल को गिरफ्तार कर लेती है। नंदिनी ने पुलिस को भी सारे सबूत दिखा दिए थे और उस वीडियो को भी पुलिस को दिखा दिया था और इस तरीके से राहुल का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।